अभी विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। इससे पहले इस संगठन को विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी कि स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जाना जाता था। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है, कोई स्टैचुटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसे जांच संबंधी शक्तियां शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है। सीबीआई भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन अपने कार्यों का निष्पादन करती है। फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो देश की शीर्ष अन्वेषण अभिकरण है यानी कि ये सुप्रीम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अब हम सभी सीबीआई के मेन मोटो, मिशन और इसके विजन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके मोटो के बारे में जान लेते हैं। सीबीआई का जो मोटो है वो उद्यम, निष्पक्षता तथा अखंडता है। ये जो मोटो है सीबीआई के, इसे आदर्श वाक्य के रूप में भी जाना जाता है। और इसका जो उद्देश्य है, इसका जो मिशन है वो ये है कि संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना और इसके लिए सुविस्तारित अनुसंधान करना तथा अपराधों के विवरण एवं सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना तथा कानून लागू करने में अंतर्राज्य यानी इंटर स्टेट तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। आइए अब इसके विजन को समझने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत फर्स्ट है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष, आर्थिक एवं हिंसक अपराधों में सुविस्तारित अनुसंधान अभियोग द्वारा कमी लाना। सेकेंड है विभिन्न न्यायालयों के लंबित मामलों के सफल अनुसंधान एवं अभियोग दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली एवं प्रक्रिया विकसित करना। थर्ड है साइबर तथा उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता करना। फोर्थ है कार्यस्थल पर ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना जिससे टीम भावना, मुक्त संचार तथा आपसी विश्वास को बढ़ावा मिले। फिफ्थ है राज्यों के पुलिस संगठनों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर मामलों की जांच और अनुसंधान में सहायता करना। सिक्स्थ है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध के विरुद्ध लड़ाई में मुख्य भूमिका का निर्वहन करना। सेवेंथ है मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा पर्यावरण, कलाओं, कलात्मक वस्तुओं की रक्षा के साथ अपनी सभ्यता का विस्तार करना। एट्थ है वैज्ञानिक अभिवृद्धि, मानवता तथा जांच, अनुसंधान तथा सुधार की भावना का अपने अंदर विकास करना। नाइन्थ है कार्य प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा व्यावसायिकता के लिए प्रयासरत रहना जिससे कि संगठन अपने प्रयत्नों के उपलब्धियों में शिखर पर पहुँचे। फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी सीबीआई के डिपार्टमेंट के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। तो फर्स्ट है भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग, सेकेंड है आर्थिक अपराध प्रभाग, थर्ड है विशेष अपराध प्रभाग, फोर्थ है नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग प्रभाग, फिफ्थ है प्रशासनिक प्रभाग, सिक्स्थ है अभियोग निदेशालय प्रभाग, सेवेंथ है केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रभाग। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। आइए अब हम सभी सीबीआई के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। तो सीबीआई का जो निदेशक है यानी कि जो डायरेक्टर है वो इसका प्रमुख होता है। उसके सहयोग के लिए यानी डायरेक्टर के सहयोग के लिए विशेष निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक होता है। इसके अतिरिक्त अन्य संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस कार्मिकों के अन्य रैंक होते हैं। कुल मिलाकर इसमें लगभग 5,000 कार्मिक होते हैं, लगभग 125 फॉरेंसिक वैज्ञानिक तथा 250 विधि अधिकारी कार्य करते हैं। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं।
आप ध्यान में रखेंगे कि इसका अधीक्षण यानी सुपरविजन केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्षों की कार्य अवधि की सुरक्षा मिली हुई है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी सीबीआई के फंक्शंस को समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घुसखोरी तथा दुराचार से संबंधित विषयों की जांच करना। सेकेंड है राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के विषयों का अनुसंधान करना, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम आदि के अवमानना के विषय। थर्ड है पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे संज्ञेय अपराधों की जांच, ऐसे संगीन अपराधों की जांच जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के मध्य समन्वय स्थापित करना। फिफ्थ है राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के विषय को अनुसंधान के लिए अपने अंतर्गत लेना। और लास्ट है अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण तथा आपराधिक सूचनाओं का प्रसार। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे कि सीबीआई अकादमी गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसके पूर्व सीबीआई प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते थे। ओके फ्रेंड्स, अब हम सभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 3 मेन डिवीजन के फंक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आप सभी सबसे पहले ये जानिए कि सीबीआई के 3 मेन डिवीजन हैं। फर्स्ट है एंटी करप्शन डिवीजन, सेकेंड है इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन, थर्ड है स्पेशल क्राइम डिवीजन। एंटी करप्शन डिवीजन केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, आर्थिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी से संबंधित विषयों की जांच करती है। इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन बैंक तथा फाइनेंशियल फ्रॉड, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा से जुड़े नियमों के उल्लंघन, नशीली दवाओं, ऐतिहासिक पुरातत्व तथा सांस्कृतिक संपदा एवं अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी से संबंधित विषयों की जाँच करती है। थर्ड है स्पेशल क्राइम डिवीजन के तहत आतंकवाद, बम ब्लास्ट, मानव बम, फिरौती के लिए अपहरण, चर्चित हत्याओं से संबंधित अनसुलझी गुत्थी तथा माफियाओं द्वारा किए जाने वाले संगीन अपराधों की जांच की जाती है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। फ्रेंड्स, अब हम सभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अतिरिक्त जो अन्य जांच एजेंसियां हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके सीबीआई के अलावे जो अन्य जांच एजेंसियां हैं उनमें फर्स्ट है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय भारत के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के अधीन एक प्रशासनिक कार्यालय है। इसका मुख्य कार्य फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लागू कराना होता है। आप ध्यान में रखेंगे कि उक्त कानूनों का उल्लंघन होने पर यह विभाग जांच पड़ताल करता है और अवैध संपत्ति को जब्त करने का काम भी करता है। ओके, दूसरी जो जांच एजेंसी है उसका नाम है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फ्रेंड्स, मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी के गठन की आवश्यकता महसूस की गई। परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 2008 को इस एजेंसी का गठन करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी बिल 2008 को संसद में मंजूरी प्रदान की गई। यह एक संघीय जांच एजेंसी है तथा इसे राज्यों की अनुमति के बिना आतंकवाद तथा उससे संबंधित अपराधों की जांच करने का पूरा अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार अगर यह समझती है कि किसी अपराध का प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध आतंकवाद से है तो वह ऐसे मामलों की जाँच का काम NIA को सौंप सकती है। ओके, NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट जो जांच एजेंसी है वो उसका नाम है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच के लिए 1 अक्टूबर 2003 को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन संस्था का गठन किया गया। यह संगठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत
केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए कथित धोखाधड़ी के मामले की जांच करती है, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।